क्या आजकल इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है? कुछ हद तक हाँ। हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जिसमें कि विमेन करियर ओरिएंटेड हैं और अपनी स्टडीज फर्दर परस्यू करना चाहती हैं, जिसके कारण उनकी मैरिज लेट होती है। फिर जब वो एक बार कैरियर में जाती हैं तो एक हाई पोस्ट पे अपना जो अल्टीमेट वो पहुंचना चाहती है, वहाँ पहुंचने के लिए मेहनत करती हैं। ऑलमोस्ट ये सब करते करते जो उनकी एज है वो 30 से ऊपर 35 के आसपास हो जाती है। तो ये सब देखते हुए जो रीज़न है इनफर्टिलिटी के, एक तो लेट मैरिज, देन परस्यूइंग कैरियर, बच्चे लेट कर रहे हैं। फिर इंडियन वेमेन में 30 के बाद हमारे अंडे बनने की कैपेसिटी कम होने लगती है, तो इनफर्टिलिटी बढ़ने लगती है। उस पर 35 के बाद और अंडे बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और 38 के बाद तो बहुत ही कम हो जाती है। फिर जब वुमेन करियर ओरिएंटेड होती है तो उसकी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा अंतर होता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है लाइफ में, प्लस जो प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज ये सब होना चाहिए, वो भी ज़िंदगी में नहीं हो पाता है। तो ये सब फैक्टर मिला के इनफर्टिलिटी कुछ हद तक बढ़ रही है। थैंक यू।